केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर और त्रेता युग के बीच कंस के कारागार में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण कैसे कंस को भ्रमित करके कारागार से निकलकर बाहर चले आते हैं, आइए ये कहानी हम सुन लेते हैं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कृष्णा के जन्म की कहानी सुनाता हूँ। देखिए कैसे कृष्णा जो कंस को भ्रमित करके कारागार से जो है निकल के बाहर चले गए। ये कहानी बड़ा अद्भुत और सुंदर है, आप लोगों को सुनाता हूँ। वासुदेव और देवकी उनके माता पिता हैं। देवकी का जब विवाह वासुदेव से हुआ तो देवकी के पिता देवक ने वासुदेव को बहुत सारे गिफ्ट भेंट किए, बहुत सारे धन दिए, हाथी घोड़े रथ ये बहुत सारे चीज़ भेंट दिए। इधर जो है उसका जो चाचा का लड़का कंस था, सबसे बड़ा चाचा का लड़का, सबसे बड़ा भाई कंस था। कंस भी देवकी को बहुत मानता था, लेकिन देखिए दुष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उसने जब ससुराल जाता है लड़की, तब उसके साथ उसके भाई भी छोड़ने जाते हैं, तो कंस भी उसके साथ छोड़ने गया। और वह कंस बोला कि मैं ही रथ चलाऊंगा और देवकी और वासुदेव रथ पे बैठेंगे और मैं उन दोनों को घर छोड़ाऊंगा। इस तरह से दोनों को लेकर वो रास्ता में चलने लगा। जैसे चलते चलते थोड़े दूर जाने के बाद आकाश से आकाशवाणी हुआ कि अरे मूर्ख, अरे दुष्ट कंस, तुम जिसको ले जा रहा है रथ पे बैठा के, उसी का आठवां संतान जो है तुमको तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस तो दुष्ट प्रकृति का था, अपने प्रजाओं से अन्यथा टैक्स लिया करता था, अधिक टैक्स लिया करता था, उसको पीड़ा दिया करता था। उसने जब सुना, भले ही वो संसार की माया में थोड़ा सा उलझ गया है, लेकिन जैसे ही सुना वो जो है अपनी दुष्ट प्रवृत्ति को फिर से जागृत किया और उसने बाएं हाथ से देवकी के बाल पकड़े और दाहिने हाथ में अपना तलवार लेके देवकी को मार देना चाहा। तभी वासुदेव ने उसको पकड़ लिया। बोला वासुदेव बोले कि अरे कंस, तुम इतने महान हो, इतने शूरवीर हो, तुम्हारा इतना नाम है, अगर तुम एक स्त्री का हत्या करोगे तो तुमको लोग क्या बोलेगा, और जिस तुम्हारा अगर मृत्यु इसके संतान से होना है तो उसको कोई तो टाल नहीं सकता, ईश्वर की जो लीला है उसको कोई बदल नहीं सकता है, इसीलिए मृत्यु जो है वो तो सत्य है, एक ने एक दिन तो मरना ही है, तो इस कारण से तुम अपना जघन्य अपराध क्यों करते हो कि एक स्त्री को जिसका अभी विवाह हुआ है उसको मारने जा रहे हो। इस तरह से वासुदेव उसको समझाने लगे, समझाते समझाते फिर भी वो नहीं मान रहा था। अंत नहीं बोला कि हम उसको मार ही देंगे क्योंकि इसका ही संतान हमारा मृत्यु का कारण। बोले मृत्यु तो होना ही है, एक ना एक दिन तो मरेगा ही, अगर इसके पुत्र के हाथ ही तुम्हारा विधि ने लिखा है मृत्यु तो एक ना एक दिन तो होगा ही, तो इसमें तुम क्या कर सकता है, हम क्या कर सकता है, लेकिन इस कारण से अपनी मृत्यु से बचने के लिए और अधिक पाप करके और नर्क में मत जाओ, मृत्यु के बाद तुम नर्क में चले जाओगे। तो इस तरह से समझाने के बाद भी कंस जो है नहीं माना, तब वासुदेव ने देवकी को बचाने के लिए बोले कि मैं तुम इसके जो भी पुत्र होंगे, आठ पुत्र जो है तुमको वो दे देंगे, तुम जो करना हो करना, कम से कम जो है देवकी को छोड़ दो। इस तरह से कंस जो है सोचने लगा, अरे ये भी तो ठीक ही बोल रहा है कि देवकी को मार के क्या मिलेगा, इसका संतान होगा, उसी को ख़त्म कर देंगे। और फिर वो जो है देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। एक वर्ष बीतने पर एक संतान हुआ। इसी तरह संतान होता, वासुदेव उस बच्चे को लेकर जो है
कंस के पास दे देते, कंस उसको बेरहमी से बेदर्दी से मार देता था। इस तरह से 6 बच्चे को कंस ने मार दिया। 7वां बच्चा जो है वो बलराम जो है, भगवान के जो भक्त हैं बलराम, वो उनका आना था। शेषनाग जिनको बोलते हैं हम लोग, से उनको आना था। भगवान ने योग माया को बोले कि बलराम जी जा रहे हैं, इसको गर्भ में ही जो है, गर्भ से ही रोहिणी के गर्भ में इसको डाल दीजिए, देवकी के गर्भ से निकाल के। बलराम जी गर्भ में देवकी के थे और वहाँ से योग माया, जिसको हम दुर्गा देवी कहते हैं, वो देवकी के गर्भ से निकाल के उसको रोहिणी के गर्भ में जाके स्थापित किए। उसके बाद वह समय आया, रोहिणी नक्षत्र का समय आया, भगवान के जन्म का समय आया। भगवान के जन्म के समय में चारों तरफ सारे नक्षत्र अनुकूल हो गए और भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म लेके पहुंच गया। शंख चक्र गदा ले जब देवकी ने देखा कि साक्षात नारायण मेरे सामने खड़े हैं, तो भगवान ने उनको बोलने लगा कि आपने बहुत तपस्या किया था, जिस कारण से मैं आपके पुत्र रूप में आया हूँ। तो भगवान उसी समय जो है बच्चे का रूप धारण करके देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए। और इधर जैसे ही भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश किए, चारों तरफ जैसे लगा कि कारागार में जैसे सूर्य भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं, चारों तरफ प्रकाशित हो गया। कंस सोचने लगा कि अब आ गया है मेरा काल, अब मैं उसको मार दूंगा। वो उसको नींद नहीं आ रहा था, उसको चैन नहीं थी, बेचैनी पकड़ा हुआ था कि कब ये बालक जन्म लेगा और मैं इसको मारूंगा। और देखिए भगवान कैसे लीला करते हैं। भगवान ने, भगवान की शक्ति योग माया जो है, उसको भगवान ने बोले कि हे योग माया, तुम ऐसा करना कि जैसे ही मैं जन्म लूंगा, मेरे को उठा के जो है वो यशोदा के पास जाके रख देना, और वहाँ पर तुम जाके जन्म ले लेना यशोदा के गर्भ से, और उस बच्ची को वासुदेव जो है यहाँ पर लेके आएगा। ऐसे ही हुआ, योग माया जो है यशोदा के घर में उधर जन्म लिया और इधर भगवान कृष्णा ने जन्म लिया। दो दिन से पूरा चारों तरफ इंद्रदेव बारिश कर रहा था, बारिश रुक ही नहीं रहा था, बीच बीच में प्रचंड ध्वनि आकाश से हो रही थी और तारे दिखाई नहीं दे रहे थे, पूरे अंधकार था। इसी बीच में कृष्णा का जन्म हुआ रोहिणी नक्षत्र में। सभी देवता आके उनको प्रणाम किया और बोलने लगे कि हे देवकी, आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके गर्भ से भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो है जन्म लिए हैं, और मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ। देवता लोग बोले कि हम लोगों के हित के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतार लिए। इस तरह देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और देवता लोग अपने अपने धाम चले गए। इधर भगवान ने आकाशवाणी से कहा वासुदेव को, वासुदेव मुझे उठा के ले चलो और यशोदा के पास रख देना, और वहाँ पर एक बच्ची का जन्म हुआ, उसे उठा के ले आना। जैसे ही बोले वैसे ही वासुदेव एक टोकरी में जो है उस बच्चे को उठाया और अपने सिर पे लेके चल दिया। जैसे ही चलने लगा, सारे दरवाजे जो मोटे मोटे लोहे के जंजीर से बंधा हुआ था, बंद किया हुआ था, सब अपने आप खुलने लगा। प्रहरी ऐसे देखते देखते मूर्छित अवस्था में गिर के सो गया, जैसे वो बेहोश हो गया हो। सारे प्रहरी सो गए, सारे दरवाजा एक एक करके खुलने लगे और वासुदेव निकलने लगे। वहाँ पर जो है कारागार के गेट पे ही जो है शेषनाग जो है, जो बलराम जी हैं, वो अपने छत्र लेके अपना छत्र कार्य जो है बैठे थे कि कब भगवान आएंगे उनको बारिश से बचाने के लिए, उनके ऊपर छत्र का अपना जो फन जो है से ढक देंगे। और इस तरह से बलराम जी उनको अपने फन से ढक दिए। इधर यमुना जी देखी जैसे श्री राम जी ने समुद्र पर सेतु बना लिया था, इसी तरह यमुना जी ने भी वासुदेव को रास्ता दे दिया यमुना से जाने के लिए। यमुना में तो तूफान आया हुआ था, इतने बारिश से बाढ़ आ गया था, यमुना जी की लहरें उठ रही थी, फिर भी वासुदेव जैसे जैसे प्रवेश करते थे वैसे वैसे पानी कम होते जाता था और वासुदेव उस पार चले गए और यशोदानंद बाबा के घर में जाके बाल कृष्णा को रख दिए।
यशोदा सोई हुई थी गहरी निंद्रा में, और उस बच्चा जो जन्म लिया था उसको उठा के ले आए और देवकी के पास रख दिए। देवकी जब उठी तो देखी उस बच्ची को, और वो बच्ची भी योग माया जो दुर्गा देवी है, काली नाम से जानते हैं, वैष्णवी के नाम से जानते, महामाया के नाम से जिसको जानते, जोर जोर से रोने लगा। कंस सोचा कि आज जन्म ले लिया मैं वही बालक जन्म ले लिया जो मेरा काल है। खुले बाल हाथ में तलवार लेके दौड़ा अपने महल से, जैसे दौड़ा, और कारागार सब पहरेदार भी उठ के खड़ा हो गया था, और सारा अपने आप जो है उस जैसे वासुदेव के जो बंधन था कड़ी से बंधा हुआ था वो सब लग गया अपने आप। और जैसे ही कंस पहुंचा देखा कि बच्ची का जन्म, अरे बच्ची। देवकी बोला कि अरे भैया, एक जैसे गाय जो है गाय के तरह अपने भाई से प्रार्थना करने लगी कि भैया ये बच्ची को मत मारो, तुमने मेरे 6 पुत्रों को बेरहमी से मार दिया, ये बच्ची तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी, एक लड़की का जन्म हुआ है ये तुमको कैसे मारेगी, इसीलिए इसको छोड़ दो। कंस बोला तुम मेरे को मूर्ख समझ रखा है, कौन मार देगा, कोई ठीक है, देवताओं का चाल कौन जान सकता है। तब जाके जो है कंस ने बड़े बेरहमी से उस बच्ची का पैर पकड़ा और उठा के पत्थर पे पटका। जैसे ही पटका वो अष्ट भुजा लेके आकाश में अद्भुत रूप लेके जो है प्रकट हो गई और कारागार के ऊपर, और उसने बोलने लगी अरे मूर्ख कंस, तुम मुझे मार के तुमको क्या फायदा है, तुम मेरे को क्यों मारना चाहता है, मैं तो तुम्हारा काल हूँ नहीं, तुमको जो मारने वाला है वो कहीं और जन्म लिया। इस तरह से वो अचंभित हो गया कि ये क्या हो गया, बोला था 8वां संतान जो है मेरे को मारेगा, ये तो फिर कोई आकाशवाणी हो गया। इस तरह से देखिए कंस को कैसे भ्रमित कर दिया है। और फिर आप लोग जानते ही हैं कि जब कृष्ण बचपन से ही उसके सारे असुर को मार दिए, और बड़े होने के बाद कंस को भी मार के उसके पिता को उसका राज्य दे दिया। कंस बड़ा ही अत्याचारी था, उसको मृत्यु के घाट उतार के फिर से उग्रसेन महाराज जो बड़े धर्मात्मा थे उसके पिता ही थे, अपने पिता को ही जेल में डाल दिया था, फिर से उसको राज सिंहासन पर बिठा दिए। इस तरह से देखिए कंस कैसे मूर्ख बन गया, और भगवान कृष्णा को कैसे अद्भुत तरीका से जेल से बाहर निकल के जन्म लिए। इस तरह से अगर कोई भगवान का शरण लेता है तो भगवान उसको इसी तरह से रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।